हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अभी तक किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि आप सबको पता है अपन रिविजन करने में लगे हुए, कमेंट का भी बात आ रही है। सबसे मेन जो कमेंट मेरे को पढ़ने में आ रहा है वो आ रहा है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, तो फिर से उसके लिए अपडेट कर रहा हूँ। एक बार मैं अश्योर हो जाऊं कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वास्तविकता में इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 5 से 7 यूनिवर्सिटी का, इसका 5 साल का हमने कर रखा है, थोड़ा सा और इसके अंदर समय लग रहा है। एक बार जैसे ही मेरे को अश्योर हो जाएगा, मैं केवल इसलिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताना चाह रहा कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा, 12-15 क्वेश्चन बता दिए ना। अभी तक आपने खुद ने नोट किया है कि मैनेजर इकोनॉमिक्स में, डिजाइन थिंकिंग में और कहीं हद तक मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी हमारे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन है वो हिट हो गए हैं। मीन्स कि वो एग्जाम के अंदर अच्छी तरीके से, अच्छी मात्रा के अंदर आ गए हैं। बच्चों के 70-80% भी उस क्वेश्चन के थ्रू कवर अप हो रहे हैं। तो मैं अकाउंट्स में भी यही चाह रहा हूँ। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पास करा दीजिए। अरे पास तो हो ही जाओगे, इतना तो आश्वासन है रखो कि 5 यूनिट देख ली तो पास तो हो ही जाओगे। लेकिन हमारा पास करवाना लक्ष्य नहीं, आपके कम से कम मेरे को 80% लाने हैं MBA के अंदर, केवल मेरे वीडियो के माध्यम से। ये मेरा प्राथमिक लक्ष्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरी को भी आपकी ही जितनी चिंता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने हैं आज रात को, नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और होते ही मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। और यूनिट थ्री का अभी अपन रिविजन पे आ चुके हैं और यूनिट 3 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है भैया, कौन सा आता है सर? फाइनल अकाउंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आता है, न्यूमेरिकल थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। जो फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल निकल कर आता है वो यूनिट 3 से ही आता है। तो अगर आप MBA, BBA, BCom, UGC NET के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है, MCom के लिए भी यही वीडियो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यूनिट 3 है केवल इतनी सी, और यही पूरी यूनिट 3 है, बताओ। इतने समय लिख दी है और पूरा यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये क्या क्या है और इसका न्यूमेरिकल कैसे है, हमको कैसे अप्रोच करनी है, जो अकाउंट्स वाले हैं उनको थोड़ा इजी होगा, जो नॉन अकाउंट्स वाले हैं उनको कैसे अप्रोच करनी है और उनको न्यूमेरिकल करना है। देखो न्यूमेरिकल से डरना मत, न्यूमेरिकल इस तरीके से करवाया है। अभी तक आपने जनरल एंट्री बनाना सीखी होगी, अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा होगा। ट्रायल बैलेंस में क्या बताया था, एसेट्स आए तो भैया DR कर देना, लाइबिलिटी आए तो CR कर देना, एक्सपेंसेस आए तो DR कर देना और इनकम आए तो CR कर देना। यही 4 नियम मैंने लाइव पिछले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा उसके अंदर ब्रेकडाउन आया था, लेकिन यही नियम है, ठीक है। तो चलिए इस 4th, 3rd यूनिट के अंदर कौन सी चीजें क्या कह रही है, इसके अंदर क्या कह रहा है ये, इसके अंदर भैया कुछ कह रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं अपन देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और वो भी कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013, पहले चलता था 1956, अब चलता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वर्टिकल फॉर्मेट में। अब सर ये वर्टिकल क्या है, 2 तरीके के फॉर्मेट होते हैं बैलेंस शीट बनाने के, अभी केवल इतना ही समझ लीजिए, 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। जब वर्टिकल फॉर्मेट में हम बनाते हैं तो लायबिलिटी लिखते हैं और उसके नीचे एसेट्स लिखते हैं, ये फॉर्मेट रहता है, ये याद रखिए जीगा। और हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं तो लायबिलिटी इधर लिखते हैं, एसेट्स इधर लिखते हैं, ये फॉर्मेट रहता है। कुछ मुश्किल है नहीं, है ना, इधर लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी के नीचे जब एसेट्स आ जाएगी तो वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल में लायबिलिटी और एसेट्स। इतना सा अभी याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन एक एक चीज पूरी डिटेल के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहला जो अभी अपन टॉपिक लेकर आया हूँ वो लाया हूँ लास्ट वाला ही, ट्रायल बैलेंस का, जो मैंने लेफ्ट कर दिया था उस वीडियो के अंदर, अच्छे से अपन समझ नहीं पाए थे, इसके अंदर पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैश क्या है भैया, कैश एसेट्स है, तो एसेट्स है तो भैया डेबिट कर दो। चलो 10 तक तो अपन ने उसमें हो गए थे, जिनको नहीं हुआ वो 10 तक देख लेना। डेप्टर क्या होते हैं, आपकी एसेट्स होते हैं, एसेट्स है तो डेबिट। IGST इनपुट क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या है, डेबिट।
ठीक है, इनपुट डेबिट। तो अगर ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इसी की तरीके से अगर इसका रिफंड मिलेगा यानी कि आउटपुट दिया जाएगा तो वो हमारी इनकम हो गई और इनकम हमको सीआर करनी है। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या याद रखना है कि एसेट्स है कि इनकम है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंसेस है, क्या याद रखनी है, एसेट्स है कि इनकम है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंसेस है, क्या याद रखनी है, फिर से बोलो। एसेट्स होगी तो डेबिट कर दूं, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट कर दूं, एक्सपेंसेस हो तो डेबिट कर दूं और इनकम हो तो क्रेडिट कर दूं। ये चार चीजें ही याद रखनी है। देखो क्वेश्चन बन गया, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, तो परचेज रिटर्न हमारी इनकम हो गई। इसी तरीके से ड्रॉइंग क्या है, ड्रॉइंग क्या है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो इनकम हो रही है, इनकम हो रही है इसलिए उसको डेबिट कर दिया। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है इसलिए उसको डेबिट कर दिया। अब सारे पॉइंट मिला लोगे, प्लांट एंड मशीनरी एसेट से डेबिट कर दोगे, बिल्डिंग है एसेट से डेबिट कर दोगे, फर्नीचर है एसेट से डेबिट कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या एक्सपेंसेस है डेबिट कर दोगे, पोस्टेज क्या एक्सपेंसेस है डेबिट कर दोगे, बस डेबिट क्रेडिट कर देना है, नीचे टोटल लगा देनी है। जो टोटल आ गई है, देखिए जो नीचे टोटल आ गई है ये आपका आंसर आ गया। वो इतना सा सिंपल है, ऊपर ट्रायल बैलेंस लिख देना, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बस ये रहा, ठीक है। इधर सीरियल नंबर आ गए, सीरियल नंबर आ गया, इधर पर्टिकुलर आ गया, इधर डेबिट आ गया और इधर क्रेडिट आ गया, बात खत्म। कैश है तो डेबिट साइड एंट्री होगी, एसेट साइड एंट्री नहीं होगी। इसी तरीके से कैपिटल लायबिलिटी है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड एंट्री कर दो, बस ये नीचे टोटल लगा दो, दोनों टोटल बराबर आएगी तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना कहीं पे आपने गलती कर दी है, बात खत्म। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है अपना मुख्य अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं। फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, तीन, कौन कौन से। फाइनल अकाउंट बनाने का बोलेगा एग्जामिनर, क्या बोलेगा कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस बना बनाया दे देगा, या तो आपसे ट्रायल बैलेंस बनवाएगा या आपको कह देगा कि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है भैया फाइनल अकाउंट बनाइए। तो फाइनल अकाउंट में पहला अकाउंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अभी इसको बनाना सिखा देता हूं तुरंत, कॉमर्स और नॉन कॉमर्स अपन तो बनाना सीखते हैं, आप फंडा छोड़ो। दूसरा है पी एंड एल अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। बात समझ में आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट है भैया, इसके दो साथ होते हैं, इधर होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। इसी तरीके से पी एंड एल के भी दो हिस्से होते हैं, इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट। और बैलेंस शीट के भी दो हिस्से होते हैं, लेकिन इधर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इधर होता है लाइबिलिटी और इधर होती है एसेट्स। बात समझ में आ गई, इतना सा याद रखना है। अब सर क्या करना है, अब नियम जो है वो थोड़ा सा अच्छा नियम मैं आपको बता देता हूं। ये तो बात समझ में आ गई, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और इधर लायबिलिटी। जो एक्सपेंसेस हैं आपके, क्या एक्सपेंसेस हैं, वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, याद है ना, अभी नियम आगे अपन ने पढ़े थे, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, एसेट्स डेबिट होगी और लायबिलिटी। अब एसेट्स डेबिट क्रेडिट तो करनी नहीं है, एसेट्स एसेट्स में लिख देनी है, लायबिलिटी लायबिलिटी में लिख देनी है, बात खत्म। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे तो अब हमारे पास दो जगह एक्सपेंसेस आते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस है, एक पी एंड एल में एक्सपेंसेस है। ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं और पी एंड एल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। तो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या समझ में आएगा, जो खर्चे प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और जो खर्चे प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं होते वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। इतना भी नहीं आ रहा सर, अभी भी नहीं आ रहा कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो भी चिंता करने की बात नहीं, एग्जाम में ट्रायल बैलेंस आएगा,
वो तो दिया हुआ ही होगा अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया और फिर हमको करना है। मान लो कि ट्रायल बैलेंस आ गया और मैं नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। इधर डेबिट लिख दूंगा, इधर क्रेडिट लिख दूंगा, इतना तो कर सकते हो, है ना। दूसरा फिर टी बनाऊंगा, इधर पी एंड एल लिख दूंगा, इधर डेबिट लिख दूंगा, इधर क्रेडिट लिख दूंगा, इतना भी हो जाएगा। अब खर्चे तो मुझे पता ही है कि कौन से खर्चे हैं। अब खर्चों में याद रखना, ट्रेडिंग में केवल आप याद रखना वेजेस, क्या याद रखोगे? वेजेस। और दूसरा क्या याद रखोगे? गेस। वेजेस, गेस और परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो खैर आपको याद हो जाएगा, लेकिन क्या याद रखना है? वेजेस। अब वेजेस आएगा तो इधर टू वेजेस लिख देना और यहां उसका 200 रुपए अमाउंट लिख देना। एक बात समझ में आ गई? यहां पर गैस पेट्रोल फ्यूल, गैस पेट्रोल फ्यूल क्या महंगा हो गया है? गैस पेट्रोल और फ्यूल, तो यहां पर गैस लिख देना, यहां पर 200 रुपए फिर गैस के लिख देना। बाकी जितने भी खर्चे आपको दिख जाए ना, उन सबको पी एंड एल में लिख देना, मेरा नाम लेके, सैलरी और सैलरी टू रेंट टू इंश्योरेंस टू कमीशन टू बेड डेब्ट्स, सब लिख देना, कोई भी चीज छोड़ना मत। खर्चे आएंगे तो डेबिट होंगे, इनकम आएगी तो क्रेडिट होगी, बस इतना सा याद रख लेना। और इनकम में से खर्चे घटते हैं तो क्या होता है? इनकम में से खर्चे घटाते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट की साइड इनकम लिख दी, इनकम में से मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे घटा दिए, तो यहां पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां पर इनकम में से खर्चे घटाते हैं तो यहां पर आता है टू नेट प्रॉफिट, और वो वाला ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर इनकम अकाउंट में चला जाता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई फिर भी चिंता मत करना, क्योंकि अब एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, कहां गया ट्रेडिंग अकाउंट? ये शायद से यहां रहा। ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल, एक सेकंड, थोड़ा सा इधर कहाँ बोला गया, इसके तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ढूंढने में समय हो गया, कभी कभी चीजें खो जाती है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल है, बिल्कुल यही फॉर्मेट याद कर लो, रट लो, एक दिन बचा है, रट लो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर सीधी तुम्हें मत दिखेगी, केवल यहाँ पर पोस्टिंग करनी है उसकी, और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। इधर आएगा आपका डेबिट और इधर आएगा क्रेडिट। सबसे पहले इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक, याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्ट होगी ओपनिंग स्टॉक। फिर आएगा परचेज, लेस रिटर्न, रिटर्न होगा परचेज रिटर्न। फिर उसका अमाउंट यहाँ लिखते हैं, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड्स, टू फ्राइट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू फ्यूल, ये सारी चीजें। लेकिन अधिकतर आपको फ्यूल ही देखने मिलेगा और वेजेस ही देखने मिलेगी, ठीक है। ये एक आइडियल फॉर्मेट है, मतलब इसके बाहर कोई भी मत नहीं है, लेकिन ये सारी पॉइंट्स इसके रहते हैं। इनकम साइड आ जाओ तो इनकम में आता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है। जैसे यहाँ पर 200 रुपए की सेल हुई, 20 रुपए का सेल्स रिटर्न आया, तो 180 रुपए अमाउंट इधर आएगा। प्रॉफिट, इनकम में से एक्सपेंसेस घटा दोगे, अगर एक्सपेंसेस कम हुए तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, और एक्सपेंसेस ज्यादा हुए तो लॉस आ जाएगा, लॉस की एंट्री हम इधर लिख देंगे। ये एक फॉर्मेट है ट्रेडिंग का।
अभी इसकी पीपीटी थोड़े टाइम में अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पीएनएल के फॉर्मेट पे आते हैं। पीएनएल का फॉर्मेट क्या कह रहा है भैया? पीएनएल का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा फॉर्मेट है। जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है, जैसे वहां तो अपन ने दो तीन ही थे और मैंने कहा था सर वेजेस याद कर लो, कैरिज इनवर्ड याद कर लो, फ्यूल याद कर लो, गैस याद कर लो, बाकी सारे एक्सपेंसेस इधर ही आते हैं। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? देखो सैलरी रेंट पोस्टेज टेलीफोन प्रिंटिंग ऑफिस इंश्योरेंस लीगल मार्केटिंग कैरिज आउटवर्ड फ्राइट आउटवर्ड सेल्स एडवर्टीजमेंट गोडाउन कमीशन डिस्काउंट वेट डेज फाइनेंशियल बैंक चार्जेस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन रिपेयर ऑडिट लॉस बाय फायर थेफ्ट, इतने सारे लीव याद हो तो दो वहां याद करो, बाकी के सारे खर्चे इधर लिखना है। इसी तरीके से वहां भी दो ही इनकम के थे, क्या था? सेल्स ही तो था, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक और बाकी सारी चीजें यहाँ लिखनी है। रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट डिस्काउंट परचेज डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी जितनी भी इनकम है इन सारी इनकम में से मैं और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट इधर आएगा क्रेडिट साइड में क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है और लॉस इधर आता है डेबिट साइड में, इसमें से घटा के हम एंड में क्या निकाल लेंगे? एंड में निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसका फॉर्मेट तुरंत ही अभी टेलीग्राम पे, अभी ये बस वीडियो खत्म होते ही तुरंत ही मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद कर लो, रट लो, जो भी सिंपल है। मेरे रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको केवल ट्रेडिंग अकाउंट समझना है, बाकी के सारे तो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर अपन ने समझ लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना केवल क्लोजिंग स्टॉक एकमात्र मद है जो दो बार आती है, एक बार यहाँ लिखोगे एक बार एसेट्स में लिखोगे। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं कहाँ लिख रहा हूँ मैं? यहाँ लिख रहा हूँ कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टेड टेलीफोन लीगल इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट कमीशन डिस्काउंट वेट डेब्ट सब लॉस बाय फायर इधर, और कोई इनकम आ रही है इंटरेस्ट कमीशन जो भी आ रहा है प्रीमियम रिसीव्ड हो रहा है वो सब इधर। आगे बढ़ते हैं, ये है अपना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपके कोर्स में नहीं है, केवल वर्टिकल दे रखी है, सिलेबस में लिखा हुआ है। AKTU की बात कर रहा हूं कि केवल सिलेबस में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बैलेंस शीट, तो अपन हॉरिजॉन्टल ही पढ़ा रहा हूं मैं, वर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूं। इसको बोलते हैं सॉरी, हॉरिजॉन्टल कोर्स में नहीं है, वर्टिकल ही है। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत। वर्टिकल का क्या मतलब होता है? लंबवत। तो ये इस तरीके की, पहले ऊपर लायबिलिटी है, सॉरी पहले लायबिलिटी है और फिर नीचे एसेट्स है और बीच में क्या हुआ? एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये लायबिलिटी कम यहां तक है। अब लायबिलिटी लिखने का फॉर्मेट है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आती है कैपिटल। कौन सी चीज आती है? कैपिटल। कैपिटल के बाद आती है रिजर्व एंड सरप्लस और उसके बाद आते हैं लोन। केवल तीन चीजें याद रखना, ये तो इतना बड़ा फॉर्मेट याद नहीं होगा। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और उसके बाद आते हैं लोन। और इसी तरीके से एसेट्स में ऐसा लिखने का कोई नियम नहीं है, लेकिन पहले आती है फिक्स्ड एसेट्स, फिर आती है करंट एसेट्स। पहले आती फिक्स्ड एसेट्स और फिर आती करंट एसेट्स। चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले कैपिटल लिख दी, इक्विटी और प्रिफरेंस कैपिटल, फिर रिजर्व आ गए, प्रिफरेंस, जनरल रिजर्व, पीएनएल। ये जो प्रॉफिट अपन ने निकाला है ना पीएनएल में, वो प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल में जोड़ देते हैं। फिर हम आएगा नेट ऑनर्स फंड, बोरोवर फंड, फिर ये लोन। बोरोवर फंड को क्या बोलता हूँ मैं? लोन बोलता हूँ। फिर यहाँ उसकी टोटल लगा लेंगे, क्लियर। फिर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लोन, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, कैश, करंट एसेट्स में लिख सकते हो और इन्वेस्टमेंट, ये, और फिर इसकी भी टोटल नीचे लगा ली जाएगी। और याद रखना लायबिलिटी की टोटल एसेट्स की टोटल बराबर आती है यदि आपका क्वेश्चन सही है तो, और नहीं भी आया तो ये टोटल लगाने की चिंता मत करो, इस टोटल के 1.4 मार्क्स ही है। यदि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया, तो केवल 1/4 नंबर ही इसके होंगे टोटल के, बाकी एंट्री करने के। तो फॉर्मेट जिनको देखो कॉमर्स के हैं वो तो ये क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी करा है उन्होंने, तो उनके लिए बहुत इजी है क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, एडजस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं पूछता है। जो नॉन कॉमर्स के हैं उनको क्या करना है कि ये फॉर्मेट याद कर लेना है। अब जैसे ही उनको ट्रायल बैलेंस में कोई मद मिल जाती है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रायल बैलेंस कहाँ गया, जैसे ट्रायल बैलेंस में एक मद मिल गई उनको, क्या मिल गई? बिल्डिंग। बिल्डिंग दी हुई है
कितने की, 20,000 रुपए की, क्या दी हुई है बिल्डिंग 20,000 की। तो हमको क्या करना है, जैसे ही हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग कहाँ रही, ये रही बिल्डिंग, यहाँ पर 20,000 लिख देना है। मिल गया एक नंबर, आधा नंबर, जितने अगर मत दे रखी है 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा देगा नहीं आपके कोर्स क्वेश्चन में, तो 15 की देगा, तो आधा नंबर एक मद का है, यानी आधा नंबर एक पोस्टिंग का है। हाफ 0.5 मार्क्स इज फॉर द पोस्टिंग ऑफ द ओनली अमाउंट 20,000। तो जो नॉन कॉमर्स के उनके लिए तो एक रामबाण बता देता हूँ, सीधे सीधे फॉर्मेट याद कर लो, लिख लो, दो बार लिख लोगे या फॉर्मेट याद हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल फॉर्मेट नहीं है। ट्रेडिंग याद हो जाएगा तो P&L अपने आप बन जाएगा, ये सीधी की सीधी बात है। अब इसकी क्या है, एक एक्सेल एप्लीकेशन करके भी आपके कोर्स में दे रखा है कि हाउ टू बिल्ड एक्सेल, एक्सेल के अंदर आपको बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। अब आपको एक बात इसमें मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि एक्सेल की जो बैलेंस शीट है उसका केवल यही याद रख लेना कि न्यू टैब में गए, सर्च बार में गए, टाइप बैलेंस शीट करा और हमने एक टेम्पलेट जो है वो वहां से डाउनलोड कर ली। फिर बोल रहा हूँ, एक नंबर में ही आएगा, न्यू टैब में गए, सर्च बार में गए और टेम्पलेट वहां से डाउनलोड कर ली। ये प्रैक्टिकल होता है, ये पता नहीं क्यों दिया, ये सिखाने के दृष्टिकोण से दिया होगा आपके सिलेबस में। इसका मेन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नहीं बनता कि एक्सेल एप्लीकेशन टू मेक अ बैलेंस शीट की कौन कौन सी एप्लीकेशन, भैया टेम्पलेट ही होती है, बाकी तो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगते हैं। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं एक्सेल के अंदर तो फॉर्मूला बनते हैं सारे, उसके ग्राफ प्लॉट्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आप उसको कॉपी में लिख सको कि एक्सेल वहां पर ड्रॉ करके आप लिख पाओ, इसलिए क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। केवल ये याद रखना, एक नंबर में आ जाए तो न्यू टैब, सर्च बार एंड बैलेंस शीट टेम्पलेट। आगे बढ़ो, अब अगला जो क्वेश्चन है ये है कैश फ्लो का। कैश फ्लो का भी न्यूमेरिकल अभी तक मैंने देखा नहीं है, थ्योरी देखी है, तो कैश फ्लो की थ्योरी पहले समझ लेते हैं कि कैश फ्लो होता क्या है। जी देखिए, कैश फ्लो की थ्योरी क्या कह रही है, कैश फ्लो की थ्योरी कह रही है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रोवाइड कराता है हमको एग्रीगेट डेटा रिगार्डिंग द कैश फ्लो इन द कंपनी एंड रिसीव फ्रॉम द ऑनगोइंग ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कैश फ्लो ऑफ बिजनेस। ठीक, अब नॉर्मल भाषा में, ये तो बुकिश था, ठीक है, नॉर्मल भाषा में चलिए एक बार आपको अगर बुकिश का लेना हो, चलो वो तो अपन पीपीटी में दे ही रहा हूं। हाँ, कैश फ्लो, इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं। अब ये क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट बताना जो मेरे व्यापार में जितनी भी कैश आ रही है और जितनी कैश जा रही है उसके बारे में जानकारी दे। द स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब अबाउट द कैश इन और कैश आउट इन द माय बिजनेस, सिंपल सी बात है यार, इतना क्यों डिफिकल्टी अपन को पढ़नी, कैश के बारे में जानकारी देना। तो इसमें कैश कितने तरीके से आती है और कितने तरीके से जाती है, आइए देखते हैं। तीन तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर कैश आती है, कौन कौन से तरीके से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग यानी कि व्यापारिक एक्टिविटी, माल खरीदा माल बेचा, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कोई प्लांट खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई लोन लिया, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, किसी को लोन दिया मतलब। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि लोन, कैपिटल, ठीक है, बॉन्ड, बॉन्ड आप आसानी से समझ जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि हमने क्या करा है, कोई बिल्डिंग लैंड लिया है उससे अगर कोई पैसा आ रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या है, यानी कि बिजनेस के डेली ट्रांजेक्शन से कोई पैसा आता है तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में है। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, ये तीन तरीके की एक्टिविटी से बिजनेस में पैसा आता है और जाता है, इसी को नोट करने को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इसका आया हुआ नहीं है इसलिए अपन न्यूमेरिकल पे पढ़ भी नहीं रहा हूँ, केवल एक फॉर्मेट ला रखा है, ये फॉर्मेट याद कर लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर फॉर्मेट पूछा गया है इसका कि कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या है। अब कैश फ्लो के फॉर्मेट समझने से पहले आप एक बात याद रखना कि कैश फ्लो का फॉर्मेट समझने से पहले कैश दो तरीके की होती है। अरे सर कैश तो कैश होती है, मतलब उसके दो बैलेंस होते हैं, एक होता है ओपनिंग बैलेंस और एक कौन सा होगा, क्लोजिंग, वेरी गुड बैलेंस। आपने बोला भले मन में पर मैंने यहां सुन लिया कि आपको समझ में आया, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस।
तो अब ये सर क्लोजिंग बैलेंस, अगर ये न्यूमेरिकल वैसे तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आया तो याद रखना एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्वेश्चन हमेशा नीचे से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? नीचे से शुरू होता है और हम नीचे लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कहां लिखा मैंने? यहां नीचे क्लोजिंग बैलेंस से शुरू हुआ। ये पहला क्वेश्चन है जो क्लोजिंग बैलेंस से शुरू होता है, ठीक है, यहां से शुरू हुआ। यहां क्लोजिंग बैलेंस मैंने नीचे दिया, ठीक है, डॉलर में भले लिखा हुआ हो, आपको समझने के लिए रुपीज में कर लेना। अब ये तीन तरीके की एक्टिविटी मैंने बताई थी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर जो नॉन कॉमर्स के हैं, सबसे पहले ये तीन एक्टिविटी लिख लेना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। धार एक नंबर आ गया, केवल टॉपिक लिखने का नंबर दे देता है अकाउंट्स में, और अपन इससे डर रहे हैं कि सर इसमें फेल हो जाएंगे। अरे क्यों होंगे, टॉपिक लिखने का नंबर मिल रहा है, स्टेप मार्किंग है, क्वेश्चन बने या ना बने हमको तो स्टेप मार्किंग से नंबर कमाने, क्यों नहीं कमाएंगे। पहला तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे छोटी है इन्वेस्टिंग, तो अपन इन्वेस्टिंग से चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, नेट कैश यूज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जब हम कोई फर्नीचर बेचते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा फर्नीचर और एसेट्स से संबंधित है। जब हम कोई एसेट्स बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर लॉस होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। लॉस होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कुछ हमने पैसा उससे